अरे भाइयों, बड़ी बेइज्जती महसूस हो रही है। पूरा घर छान मारा मगर एक भी 2000 का नोट नहीं मिला। भाइयों, अभी तक जो कहते थे जहर खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं, वो भी अब बैंक की लाइनों में लगते हुए नजर आएंगे। भाइयों, सारे दामाद 30 सितंबर तक अपने अपने ससुराल हो आए। जिन्हें 500 के नोट मिल रहे थे, अब उन्हें 2000 के नोट मिलेंगे। भाइयों, पता है पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं? क्योंकि शादी के बाद सारे गम पति के हिस्से में आ जाते हैं और वो बेगम हो जाती है। भाइयों, लोग कहते हैं प्यार करना मुश्किल है, और टीचर कहती थी जो चीज मुश्किल लगे उसे बार बार रिपीट करना चाहिए। अगर दिन का 1.5 GB डेटा भी कम पड़ता है तो तब तो तुम भयंकर बेरोजगार हो भाई। भाइयों, पत्नी को इतना गुस्सा रोते हुए बच्चे पर नहीं आता जितना गुस्सा कि सोते हुए पति पर आता है। कैसी कही। अगर आपको अपना घर छोटा लगता है तो एक बार बैठकर अपने घर में पोछा लगा ले, आपको महल लगने लगेगा। महल। शादी इतनी भी लेट नहीं करनी चाहिए कि दुल्हन के हाथों से ज्यादा मेहंदी दूल्हे के बालों में लगानी पड़े। हाँ भैया, जिस स्त्री के विवाह के पश्चात उसके मायके से ऑनलाइन क्लास जारी रहती है, वह स्त्री विवाह पश्चात शीघ्र ही परिवार खंडन की डिग्री प्राप्त कर लेती है। अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है तो क्या कहोगी, क्या कहोगी? कहो ना, क्या कहोगी? भाइयों, मैं कोई भी काम कल पर नहीं टालता, परसों पे टाल देता हूँ ताकि कल टेंशन फ्री रहूं। भाइयों, अभी तक जो कहते थे कि जहर खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं, अब वो जाएंगे चुपके चुपके 2000 के नोट बैंकों में जमा करने। भैया, पहले की पत्नियां, ये जब आएंगे तब हम खाना खाएंगे, और आजकल की पत्नियां, ये जब खाना लाएंगे तब हम खाएंगे। बड़ा ही भयंकर समय चल रहा है। भाइयों, मेरे पास एक भी 2000 का नोट नहीं है। पता नहीं ये शर्म की बात है या गर्व की।